बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। जिन लोगों ने एनडीए को यहाँ सींचा है, बनाया है और आज तक यहाँ एनडीए को फलाया फुलाया है, जो अपने कुर्बानी दे करके एनडीए को बचा करके रखा है, उन सारे कार्यकर्ताओं का यह बैठक है। दरौदा विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। आज अहम फैसला, अहम निर्णय होगा। क्या कुछ कार्यकर्ताओं का राय सलाह लेकर के और आज फैसला होगा। उन लोगों ने नहीं बचाया है एनडीए को, है ना। यस, एनडीए को हम लोगों ने अपने ब्लॉक देकर के सींचा है और सिवान में आज जो एनडीए फलफूल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम सबों के कुर्बानी का दिन है। हमारे हम लोगों के परिवार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया है और जिसके वजह से आज एनडीए बचा है और एनडीए आज फलफूल रहा। उस एनडीए को तोड़ने और मिटाने के लिए कुछ एनडीए के गद्दारों ने अपनी रोटी सेकने के लिए अपना साजिश करके सफल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता पूरी तरह से एनडीए है और जब जब लोग भटकते हैं तो जनता उसको सबक सिखा देती है और जनता तैयार है, यहाँ के कार्यकर्ता तैयार हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए। कल ही आप एनडीए को गाली दे रहे थे, आज एनडीए का नेता कैसे हो गए, एनडीए का कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं। अभी यही बगौरा की सभा स्थल है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, आज हम लोगों के बीच रामविलास पासवान जी नहीं हैं, तीनों लोगों के बीचों बीच में 6 साल के लिए निष्कासित का ऐलान हुआ। और कौन सी परिस्थिति बनी, जो नीतीश जी को गाली दे रहा था, मोदी जी को गाली दे रहा था, पासवान जी को गाली दे रहा था, उस व्यक्ति को इस तरह की अगर होता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, यहाँ के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका माकूल जवाब है। एनडीए के साथ को अजय सिंह बचाएंगे निश्चित रूप से। सर सर सर, तरह की नाराएं भी जो नाराएं लगी, जिसमें से एक उदाहरण था एनडीए से बैर नहीं, ब्यास तेरी खैर नहीं, ये नारा क्या संदेश दे रहा है? अभी तो हम ऐसे कैंपस में बैठे हुए हैं, जिला नहीं प्रांत के एक ऐसे मुखिया रहे हैं जिन्हें प्रबुद्ध कहिए, ज्ञानी कहिए, जिन्हें ज्ञानी कहिए, ज्ञान का भंडार कहिए, बबुआ जी कहिएगा तो पूरा राज जान जाएगा, देश के भी चुनिंदे लोग जान जाएंगे कि बबुआ जी बगौरा आज दुनिया में नहीं है। सबसे पहले आप ही के चैनल के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनका चरण स्पर्श करता हूँ। संयोग से उनके पुत्र, देखिए ऐसा संयोग है कि गार्जियन नहीं है तो दूसरे गार्जियन को उन्होंने भेज दिया है कमल बाबू को यहाँ, और कमल बाबू उपस्थित हैं बबुआ जी के रूप में आशीर्वाद देने। जब कोई काम प्रारंभ हम लोग करते थे तो माँ विंध्यवासिनी का, ख्वाजा गरीब नवाज का जब दर्शन करके आते थे तो बबुआ जी आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ हाजिर रहते थे। आप जानते ही होंगे कि जब मंत्रोच्चारण करते थे तो बड़े बड़े बनारस और अयोध्या के विप्र भी उनके पीछे चले जाते थे और लोग कहते थे कि बबुआ जी आप ही करा दीजिए, इसको आप ही बोलिए। मैं उनके कैंपस में हूँ, एक ऐसी स्थली है जो कहीं ना कहीं शक्ति देती है, यह एक शक्ति स्थल है। इस शक्ति स्थल पर हमको का शक्ति का प्रदर्शन करना है? दो लोग आपके सामने उपस्थित हैं, एनडीए का जो रूप और स्वरूप है आप देख रहे हैं, इसमें प्रदर्शन क्या करना है? जब अजय और जितेंद्र स्वामी आपके बीच उपस्थित हैं, यही संदेश काफी है। इसे ज्यादा इस शक्ति को और मजबूत करने में सहभागिता जितेंद्र स्वामी की होगी क्या? हम तो कहा है आपको कि जितने दिन से, अगर आप जानते होंगे जितेंद्र स्वामी को, कि जितेंद्र स्वामी जो निर्णय लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। जितेंद्र स्वामी किसी वार्ड के मेंबर नहीं है, लेकिन आप जानते होंगे कि लाखों लोगों का प्यार और स्नेह इनको मिलता है। आप देखिए कि जिनकी आप चर्चा कर रहे थे वो आए इस क्षेत्र में तो आते ही 20 बमन शुरू कर दिया। ऐसे महिषी जो इस जिला के पितामह थे उमा शंकर बाबू, और उन पर उन्होंने छीटा कसी कर दिया। आप सामान्य लोगों से पूछिए, दलितों से पूछिए, शोषितों से पूछिए,
जो पीड़ित रहा है इस इलाके में, उससे पूछिए कि उमाशंकर बाबू का चरित्र कैसा रहा। बड़ा से बड़ा विरोधी भी उन पर उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आते ही उमाशंकर बाबू पर उंगली उठाना शुरू किया, जब उमाशंकर बाबू इस दुनिया में नहीं है। हम भाजपा के लिए समर्पित थे। जिस दिन यहाँ एंट्री किए, आप जानते हैं कि लखनऊ से लेकर के और दिल्ली से लेकर के और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ भी जब भी पार्टी ने जो काम दिया, हम उस काम को किया। भाजपा ने पार्टी ने कहा मुझे कि उपचुनाव नहीं लड़ना है। इस जिला में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही थी, पूरे जिला में जितना सदस्य बनाया गया उसमें 3 हिस्सा जितेंद्र स्वामी की भागीदारी है, 1 हिस्सा में पूरा जिला। भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट ब्याज सिंह को देती है तो आप किसके साथ रहेंगे फिर? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, समर्थन करेंगे। आप बता रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सरजू राय का टिकट काट दिया, आपने देखा ना। सरजू राय संघ के बड़े समर्पित लोग थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की गाड़ी छूट गई। पार्लियामेंट्री बोर्ड में लोगों ने कहा कि गलत निर्णय नहीं होना चाहिए, अगर गलत निर्णय होगा तो झारखंड में नुकसान हो जाएगा, तो झारखंड की सरकार चली गई। मैंने कहा है कि कोई ऐसा निर्णय मत लो कि जहां कार्यकर्ता, चूंकि आपने कहा है, राज्य के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने कहा है कि आपको दरौंदा चुनाव लड़ना है। सुशील मोदी जी ने कहा कि एक मत घूम लिए गठबंधन है, दरौंदा चुनाव लड़ना है। आज तक हम लगभग 30 पंचायत वहां घूम लिए होते। हम कहते थे कि वही फ्रेंडशिप मैच करा दीजिए। अजय जी से बात हुई, अजय जी ने कहा कि दरौंदा आइए, अगर एनडीए से मुझे अगर टिकट मिला तो मुझे समर्थन कीजिए, अगर रोहित कुमार अनुराग को टिकट मिला बीजेपी से तो हम उन्हें समर्थन करेंगे। इस निर्णय में आप इफ बट का क्या सवाल है? अभी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय आया नहीं है। टिकट तो नहीं ना, टिकट तो 8 दिन पहले से कदम बट गया था, आप देख ही रहे थे। व्यासदेव प्रसाद जैसे व्यक्तित्व जो पूरे इस जिला में 1 सीट मिला था तो व्यासदेव प्रसाद जी जीते थे सिवान से। पार्टी को सींचा जिस व्यक्ति ने, 3-3 बार 4-4 बार पार्टी को सीट दिया हुआ व्यक्ति, और जब वो आदमी पर ईश्वर का कहीं ना कहीं अटैक हुआ, वो आदमी विकलांग होने पर लगा लकवा मारा, वो आदमी हिम्मत से उठकर खड़ा हो गया और राजेश्वर आप अटैक करिएगा, इसका मतलब कि आपको केवल दौड़ता हुआ घोड़ा चाहिए और जो घोड़ा ठहरेगा तो उसको आप रिटायरमेंट में उसका गर्दन काट दीजिएगा, गला काट दीजिएगा। नहीं, जनता बर्दाश्त तो नहीं करेगी। कोर कमेटी के निर्णय पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कोर कमेटी ऐसा निर्णय, देखिए ना, कुछ साजिश करके किया जा सकता है। बहुत सारे लोग, जितेंद्र स्वामी लाल कार्ड वाले हैं, अब लाल कार्ड और एक तरफ सुन रहे हैं कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया, अब इसमें लड़ाई चल रही है। व्यासदेव प्रसाद बेचारे कहां से रुपया देंगे, जितेंद्र स्वामी कहां से रुपया देंगे। अब बेचारे बताइए ना, रमेश कुशवाहा इतने भद्र व्यक्ति थे, अब उनका टिकट कट गया। जोकर बाबा ऐसे व्यक्ति का लोग कह रहा है कि टिकट कट गया, अभी निर्णय नहीं आया है। जनमानस में इसका बड़ा रूप और स्वरूप बिगड़ जाएगा। जितेंद्र स्वामी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को कहा है, आग्रह किया है, निवेदन किया है, जो देश के नेता हैं और जो संघ के प्रांत प्रचारक हैं, पूछिए प्रांत प्रचारक से टेलीफोन करके, पूछिए जो संघ के लोग हैं उनसे पूछिए कि जितेंद्र स्वामी को लड़ना चाहिए, उनके नॉमिनी रोहित कुमार को लड़ना चाहिए कि किसको लड़ना चाहिए, जो हिंदू वाहिनी चलाता है उसको लड़ना चाहिए, आखिर जो कोर्ट में खड़ा होकर के कह देता है कि नहीं ये नहीं है, हमें मारने वाले ये नहीं है, उसको लड़ना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो पर्दा फट जाएगा, मैं बोलूंगा तो बहुत चीज समाप्त हो जाएगा। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। जितेंद्र स्वामी रोज आग में तपता है, कुछ ऐसा नहीं है जिसका जाने का खतरा है। इसको आगे बढ़ा है, कारवां चला है, आप देख ही रहे हैं अजय जी। और जब जो निर्णय हो गया, जब हम गए वहाँ माता जगमातों के आंगन में और उनका चरण छू करके जब वहाँ माता और पिता का आशीर्वाद मिला, तो दोनों भाई जब एक साथ गले में मिल लिए तो फिर इसमें ही फोबट क्या है, यानी दरंदा बेस दमखम। आप देखिए तो, जनता को फैसला करना है।
और फैसला आपके सामने है, आप तो देख ही रहे हैं, तो हो गया फैसला आपके सामने है, इसलिए धैर्य रखिए। हम बहुत कुछ नहीं कहते यारो, यह दुनिया है बेदर्दों का, यहाँ हर रात छुपाना पड़ता है, आज सीने में कितना दर्द हो लेकिन माफी में मुस्कुरा रहे हैं। राज को उजागर कब तक कर रहे हैं, एक डेडलाइन? ये तो पार्टी जाने, दल के नेता जाने, शीर्षस्थ नेता जाने, शीर्षस्थ नेता हमारे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ क्या शाम तक क्लियर हो जाएगा? निर्णय के साथ उनके उनका आशीर्वाद हमारे साथ है स्वामी जी, शाम तक क्लियर हो जाएगा।